हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने ईपीएफओ अकाउंट में ऑनलाइन मेथड से केवाईसी अपडेट कैसे कर सकते हैं। केवाईसी अपडेट के अंतर्गत आप ईपीएफओ अकाउंट में तीन डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं, फर्स्ट बैंक पासबुक, सेकंड पैन कार्ड एंड थर्ड पासपोर्ट। यदि आपने केवाईसी अपडेट कर लिया है बट आपने केवाईसी अपडेट स्टेटस को चेक करते हैं तो आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जैसे पेंडिंग फॉर अप्रूवल या पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग या फिर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो आप इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 3, 2, 1। केवाईसी अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना होगा। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे यूएन लॉगिन। इतना टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद जो पहली वाली लिंक आपके सामने आएगी, यूएन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस लिंक में हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हमको अपना यूएन नंबर, इसके बाद पासवर्ड डालना है, इसके बाद हम कैप्चा कोड डालेंगे, ये जो ऊपर लिख रखा हुआ है। कैप्चा कोड डालने के बाद हमें साइन इन में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में 6 डिजिट की ओटीपी गई है, आपको यहाँ पे ओटीपी को इंटर करना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है जो ऊपर लिख रखा हुआ है, इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। ओटीपी की जो वैलिडिटी रहेगी वो 5 मिनट तक रहेगी, 5 मिनट के बाद आपकी ओटीपी एक्सपायर हो जाएगी, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं अपने ईपीएफओ के अकाउंट के होम पेज पे डैशबोर्ड में। इसके बाद ये जो मैनेज वाला सेक्शन है इसमें हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है केवाईसी, इसमें हमें क्लिक करना होगा केवाईसी अपडेट करने के लिए। अब जैसे हमको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा हुआ है बैंक, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी हम अपना बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, अब हमें बैंक डिटेल्स शेयर करनी होगी, हमको अपना अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद हमको फिर से दोबारा अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। इतना करने के बाद हमें फिर से बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड डालने के बाद अब हमें अपने आईएफएससी कोड को वेरीफाई कराना होगा। वेरीफाई आईएफएससी में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो आईएफएससी कोड है वो वेरीफाइड हो चुका है, आप देख सकते हैं पॉपअप आ चुका हुआ है। अब हमें ओके में क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे ही आप ओके में क्लिक करेंगे आपका ब्रांच नेम और आपके बैंक का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। इसके बाद बॉक्स में टिक करेंगे, मतलब कि कॉन्सेंट देंगे। इसके बाद हम सेव में क्लिक करेंगे, जो हमारी बैंक अकाउंट डिटेल होगी वो सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप सेव में क्लिक करेंगे, अब आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर में ओटीपी भेजी गई है, आपको ओटीपी को एंटर करना होगा। आफ्टर दैट सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आपने केवाईसी में अर्थात नो योर कस्टमर में आप अपनी बैंक पासबुक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेटस में वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाएगा। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस तभी आपका कंप्लीट होगा जब आपकी बैंक आपके ईपीएफओ अकाउंट में मैच करेगी कि आपका नेम, आपकी डीओबी या फिर आपकी अदर डिटेल सब कुछ सही है, तो यहाँ पे बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद आखिरकार आपको कैसे पता चलेगा कि जो हमारे बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है, बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, अ नोटिफिकेशन हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। कहने का मतलब यह है जैसे ही बैंक की तरफ से आपका वेरिफिकेशन कम्प्लीट किया जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपका नोटिफिकेशन भेजा जाएगा कि हाँ भैया आपका वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद केवाईसी अपडेट करने के लिए हमें दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड करना होगा, सेकंड पैन कार्ड। तो हम ये जो पैन वाला ऑप्शन दे रखा हुआ है इसमें हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमको अपनी पैन डिटेल्स शेयर करनी होगी। इसके बाद हमको अपना पैन नंबर 10 डिजिट का यहाँ पे इंटर करना होगा। पैन नंबर इंटर करने के बाद हम कॉन्सेंट देंगे, मतलब की बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद हम सेव में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें ओटीपी वेरिफिकेशन कराना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन कराने के लिए हमारे जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी भेजी गई है, हमको ओटीपी को एंटर करना है। आफ्टर दैट सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं जो भी आपने केवाईसी अपडेट के अंतर्गत जिन जिन डॉक्यूमेंट को ऐड किया होगा, जैसे पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया या फिर पासपोर्ट भी ऐड करना चाहें तो आप पासपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो जितनी भी रिक्वेस्ट है ये आपकी केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल वाले सेक्शन में आ जाएगी। इसके बाद अब हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में ध्यान देना है, जैसे पैन कार्ड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस में दिखा रहा है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग। जो आपने केवाईसी अपडेट करते समय पैन की रिक्वेस्ट डाली है ये आपके सीधा एम्प्लॉयर के पास
इसका जो है रिक्वेस्ट जाएगा, पैन जो कंप्लीट करेगी रिक्वेस्ट ये आपकी कंपनी या फिर ठेकेदार कंप्लीट करेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमार्क्स में लिख रखा हुआ है टू बी इनवैलिडेटेड ऑटोमेटिकली इफ नॉट अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर विद इन 60 डेज ऑफ सीडिंग डेट। कहने का मतलब जब आप केवाईसी किए होंगे उसके 60 दिनों के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर इसको अप्रूव्ड नहीं करता है तो ये जो आपका पैन कार्ड की रिक्वेस्ट है ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। इस वजह से आपको अपने एम्प्लॉयर अर्थात ठेकेदार या फिर कंपनी से अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं और वहाँ पे आपको बताना होगा कि भैया हमने रिक्वेस्ट डाली उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों केवाईसी से रिलेटेड ईपीएफओ अकाउंट के, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। गुड बाय।